उपायुक्त हरकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हरकेश मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 30 नवंबर तक आधार कार्ड के साथ लिंक करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके उपरांत किसी भी लाभार्थी को इसे पूर्ण किए बिना योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों से आग्रह किया है कि यदि उन्होंने ये प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं की तो इसे निर्धारित तिथि तक अवश्य पूर्ण कर लें। इसके अतिरिक्त एक निश्चित अनुपात में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन भी किया जाना है, जिसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों से समयबद्ध निपटारे का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश सहित हमीरपुर जिला में भी नशा निवारण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत दैनिक आधार पर भी सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राजकीय पाठशालाओं में शौचालय, सूचना पट, फर्श, पेयजल भंडार टैंक इत्यादि की छिटपुट मरम्मत सहित पाठशालाओं के जीर्णोद्धार के लिए 14वें वित्त आयोग से धन का प्रावधान किया जा रहा है। पाठशाला परिसर में ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए मनरेगा के माध्यम से भी कार्य करवाया जा सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया कि जिला में दूध व इससे बने पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और बेहतर प्रयास करें। बाहर से आने वाले पैकेट बंद दूध की थैलियों के नमूने एकत्र कर इनकी निश्चित जाँच की जाए, नियमित जाँच की जाए। सभी दूध विक्रेताओं को भी अपने स्तर पर दूध गुणवत्ता जाँचने हेतु किट रखने के लिए प्रोत्साहित करें। उपायुक्त ने कहा कि शहर में स्थानीय स्तर पर परिवहन सुविधा और बेहतर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमीरपुर में 20 तथा अन्य स्थानों पर 17 ऑटो रिक्शा चलाने की योजना है। शहर के विभिन्न स्थलों पर इनकी पार्किंग के लिए स्थल चिन्हित किए जाएंगे। उन्होंने जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी को निर्देश दिए कि अनुस्थित सिंथेटिक ट्रैक की वस्तु स्थिति से अवगत करवाएं और इसके बेहतर रखरखाव के लिए त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कारगर कदम उठाएं। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को कहा कि पेयजल आपूर्ति पाइपों से सड़कों की और रिसने वाली पानी की समस्या का त्वरित हल करें। नगर परिषद भी शौचालयों की टंकियों से पानी रिसने की समस्या का अविलंब निपटान करें। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, सहायक आयुक्त राजकिशन, पुलिस उप अधीक्षक रेणु शर्मा सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए हमीरपुर जिला कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। बकायदा हमीरपुर सर्किट हाउस में कांग्रेस के पदाधिकारियों की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, विधायक बड़सर इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्षा अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया भी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 नवंबर को हमीरपुर गांधी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने से पहले देश की जनता से वायदे किए थे, जिन्हें आज दिन तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ 12 नवंबर को विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के जन विरोधी फैसलों का प्रदर्शन कर रोष जताया जाएगा। हमीरपुर के अनुस्थित सिंथेटिक ट्रैक में 5वीं राज्य स्तरीय सीनियर एवं जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 10 जिलों के करीब 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्क थ्रो, चेस्ट, शॉट पुट इत्यादि खेलों में अक्षम बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप ठाकुर ने इनाम देकर पुरस्कृत किया। सिरमौर से आए हुए अक्षम खिलाड़ी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि आंखों से अक्षम होने के बावजूद भी एथलेटिक्स में भाग लिया है और बढ़िया प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि अपनी अक्षमता को
समाज के बीच में चुनौती बनाया है, जिसके चलते ही आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गया हूं। उन्होंने बताया कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर 5 रजत और 3 कांस्य पदक दिलाए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि समाज सेवा में काम करते हुए 2 किडनी मरीजों सहित हिमाचल में 5 लोगों को आर्थिक मदद कर 9 लाख रुपए दिलवाए हैं। मुख्य अतिथि पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर से प्रतियोगिता के लिए 150 अक्षम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दुबई में होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में निशांत कुमार हाई जंप में अपनी कैटेगरी में देश का नाम चमकाएंगे।